हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। डियर चिल्ड्रन, इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी इन डिटेल्स इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज, डिस्काउंट, हाउ टू फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एस्टिमेटिंग परसेंटेज, and even we have done exercise 8.2 question number 1 and 2. Dear children, आज हम लोग same exercise 8.2 से question number 3 से questions करेंगे। ये chapter बहुत important है, interesting भी है। इसको questions को पहले पढ़ना है, read the question carefully, try to understand what question saying, what to find out, क्या इसमें गिवन है, क्या निकालना है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। बिगिनिंग में ही मैंने बताया था कि ये क्वेश्चंस को एक तरीके से, दो तरीके से, डिफरेंट वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रोसीजर सही होना चाहिए, स्टेप सही होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए। डियर चिल्ड्रन, हियर प्रॉफिट एंड लॉस, वी हैव स्टडी हाउ टू फाइंड प्रॉफिट, how to find loss. Profit and loss always calculated on cost price, actual price, printed price, mark price, उसी पर ही profit हो loss हो निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था फार्मूला loss और gain, gain equal to SP minus CP। तो यहाँ पर gain आपको amount में, लेकिन उसको percentage form में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कि मैं बोलूं कि गेन, गेन तो व्हाट इज गेन, गेन मीन्स लाभ, इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। हियर यू आल्सो नो हाउ टू फाइंड द गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। सो गेन परसेंटेज इक्वल टू आर, गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, गेन कितना अमाउंट है, उस अमाउंट को डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज में हो जाएगा, देन डू क्रॉस मल्टीप्लाई, गेन परसेंटेज इनटू सीपी इक्वल टू 100 गेन। सो सी गेन परसेंटेज इनटू सीपी बाई 100 इक्वल टू गेन, यहाँ से गेन निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। इस वैल्यू को अगर इसके अंदर हम पुट कर दें तो हमको जहाँ गेन परसेंटेज रहेगा, डायरेक्ट फार्मूला हम पुट करेंगे वैल्यू, वी कैन सिंपली पुट द वैल्यू इन द फार्मूला एंड सिंप्लीफाई। सो गेन, इन प्लेस ऑफ गेन वी राइट गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज इंटू सी पी बाई 100 इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ट्रांसफर, ये लीनियर इक्वेशन जैसा हो गया आपको, वन वेरिएबल स्क्वायर ट्रांसफर करिए टू वेरिएबल, तो गेन, गेन परसेंटेज इनटू सीपी बाय 100 प्लस सीपी इक्वल टू एसपी, एसपी मीन सेलिंग प्राइस, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, सीपी, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गेन परसेंटेज प्लस 100, तो या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सी पी इक्वल टू एस पी, ये आपको निकालने का हो गया। इफ़ प्रॉफिट या लॉस गेन परसेंटेज में दिया है तो वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू इन द फार्मूला एंड वी कैन फाइंड आउट। सिमिलरली इफ़ लॉस, अगर लॉस होगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आपको लॉस होगा तो सीधा 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 इंटू सी पी इक्वल टू एस पी। सी दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूला को आपको मेमोराइज कर लीजिए समझ करके, ये निकालने का तरीका भी है, लेकिन आपको याद रखेंगे तो फास्ट कैलकुलेशन में आएगा, 100 प्लस गेन परसेंटेज बाय 100 इंटू सी पी, एंड इन केस ऑफ लॉस सपोज द
लॉस हो रहा है तो आपको ये फार्मूला केवल सेम वही डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ पर माइनस रहता है, इसमें प्लस रहता है। तो इस वजह से हम इस क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस आगे आएंगे, एक्सरसाइज 8.2 में सॉल्व कर सकते हैं बाई अप्लाइंग डायरेक्टली फार्मूला, तो उससे कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? ए शॉपकीपर बाइस 80 आर्टिकल फॉर 2400 एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्लियरली आपको क्या है गिवन है, टोटल आपको 80 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 2400। शॉपकीपर बाई, मतलब शॉपकीपर जो बाई किया उसके बाद उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल कर रहा है, अपना जो प्रॉफिट उसमें 16% आइटम में, तो यानी कि उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस अभी नहीं है 2400, उसमें 16% अपना प्रॉफिट ऐड करके वो सेल कर रहा है। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल? तो सी हियर, व्हाट इज गिवन हियर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ, यू कैन राइट कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इक्वल टू 2000। तो 8 सीपी ऑफ 80 आर्टिकल या वस्तु जो भी होगा आर्टिकल्स इक्वल टू रुपीज 2400 एंड प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है उसका, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 16%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल? सो एस पी ऑफ एन आर्टिकल, इसको आप फार्मूला में से ही निकाल सकते हैं डायरेक्टली आप देखिए, लेकिन आपको यहाँ पर मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इक्वल टू हाउ मच, 2400, उसमें 16% आपको क्या है प्रॉफिट है शॉपकीपर का है, उसमें ऐड करेगा तो सेलिंग प्राइस, तो यहाँ सीधा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा उसका गेन परसेंटेज या प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू दिया ना प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट कितना आपको 16%, इसमें 16% प्रॉफिट है, तो 16 प्रॉफिट अमाउंट इक्वल टू कितना है 16% में 16/100 मल्टीप्लाई बाय दी सीपी, कितना है 2400 इसका जो है 80 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है। सो यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 24 × 16, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 × 16, 6 × 4 = 24 + 2 = 12 + 2 = 14 = 4 2, सो कितना आ गया 384 रुपीज़ प्रॉफिट, कितने आइटम पर 80 आइटम पर, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देयरफॉर एस पी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा एस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा डायरेक्ट एस पी इक्वल टू लिख लीजिए आप सी पी में, उसमें ऐड कर दीजिए एस पी इक्वल टू सी पी प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट, तो कितना है 2400 में 384 आपको कितना हो जाएगा, ऐड करिए 8 + 0 = 4 यहाँ हो जाएगा 4, 8 + 3 + 7, सो 2784। उसने 2400 टोटल खरीद के लेकर आया 80 आर्टिकल को और उसमें अपना प्रॉफिट जो ऐड किया 16%, तो उसका सेलिंग प्राइस टोटल कितना, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपको यहाँ पर हो जाएगा 2784। तो व्हाट इज आस्किंग, फाइंड द एस पी ऑफ ए सिंगल आर्टिकल, एक आर्टिकल का है, एक का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो यहाँ 24 का कितना कॉस्ट प्राइस आपका है 2400, अब यहाँ निकालना है एस पी ऑफ, देयरफॉर एस पी ऑफ एन आर्टिकल या एक आर्टिकल
इक्वल टू कितना है 22,784 डिवाइडेड बाय 80 से डिवाइड कर दीजिए आप, सेम प्रोसेस से यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 2 से काट लीजिए पहले 4, 2 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से काट लीजिए ₹35.80। आपका एक जो आइटम का एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस ₹35.80। कॉस्ट प्राइस भी आप यहाँ 80 से निकाल लेंगे। तो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 3 इज कम्प्लीटेड। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? दी कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500, ₹450 वेयर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपया था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसका 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। उस पर उस आइटम लाने के बाद उसके ऊपर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसका नहीं है, 15,500 नहीं है, क्योंकि उस पर रिपेयरिंग चार्ज, रिपेयरिंग चार्ज को ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो, रिपेयरिंग चार्जेस हो, एनी टाइप का जो भी उसके बीच में वहाँ से वहाँ तक सर जो चार्ज है उसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। जैसे इसमें दिया स्पेयर किया गया, तो इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, उसमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹15,500, उस पर कितना एक्स्ट्रा चार्ज है, तो यहाँ कितना है, द सी पी ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज इक्वल टू 15,500। उसका रिपेयर चार्जेस को ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते, एक्सपेंसेस ₹450। तो अभी इसका जो दोनों को ऐड करेंगे जो चार्ज आएगा आपका टुगेदर, आपका जो कॉस्ट पर आर्टिकल और उसका जो रिपेयरिंग चार्ज टुगेदर बिकम द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, देयरफॉर सीपी इक्वल सीपी ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू ₹15,500 प्लस 450 ऐड करिए, यहाँ हो जाएगा 0.59, तो रुपीस आ गया एक्चुअल इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपका 15,950। अब इसके ऊपर इसको सेल किया गया बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 15%, इस पर 15% इस पर प्रॉफिट लग, उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आप उसको फार्मूला में फुट कर भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ कितना है, तो प्रॉफिट अमाउंट इक्वल टू कितना आएगा, प्रॉफिट मान इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सीपी, तो यहाँ कितना है 15%, 15/100 इंटू 15,950। तो यहाँ से कैंसिल करिए आप 5 से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, फिर यहाँ से कैंसिल होगा 5 से, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 यहाँ कितना, 5 1 जा 5, 4, 5 9 जा 45, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 3190 डिवाइडेड बाई 4, काट दीजिए आप यहाँ से, 5 से कैंसिल करिए, 4 से 2 कर ली, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 11, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 1 1 5 9 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 7 जा 14, सॉरी
हाँ ठीक है, 2 7 जा 14, 1 और 9 19, 2 9 जा 18, 15, 2 7 जा 14, फिर यहाँ हो जाएगा, तो कितना आ गया, 797 रुपीज़ 50 पैसा इसका आ गया प्रॉफिट। अब इसको कितना में सेल करेंगे, तो सेल इक्वल टू प्रॉफिट है, तो सेल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस, तो देयरफॉर एस पी इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट या गेन। तो सी पी कितना है, 15,900, 950 प्लस 797 और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 यहाँ 9 प्लस 5 14 कैरी 1 यहाँ 8 17 प्लस 50। तो देयर फॉर द कॉस्ट सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्ट के लिए रुपीज़ 16,747 रुपीज़ 50 पैसा, या राउंडेड फिगर लेने से तो 48 हो जाएगा, उस तरह जो भी है। इससे आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो है कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 सी। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए वी सी आर एंड ए टी वी वेयर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन वी सी आर एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टी वी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन होल ट्रांजेक्शन। हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। एक वी सी आर और टी वी में प्रत्येक ₹8,000 में खरीदा गया। दुकानदार को वी सी आर पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियरली इसमें दिया वी सी आर एंड टीवी, एक का कॉस्ट कितना है 8,000 वी सी आर, टीवी का भी कितना कॉस्ट है 8,000, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 8,000 प्लस 8,000 हो जाएगा 60,000। एक आइटम में वी सी आर में 4% का लॉस हो गया और टीवी में 8% का प्रॉफिट किया। अब दोनों का पूरा कंप्लीट ट्रांजैक्शन में उसको क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो निकालना है। तो क्लियरली आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दे दिया आपको, वीसीआर एंड टीवी। तो सीपी ऑफ क्या सीधा लिखेंगे, सीपी ऑफ वीसीआर इक्वल टू ₹8,000, सीपी ऑफ टी वी इक्वल टू ₹8,000। टोटल कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं, टोटल सी पी या टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 8,000 8 टू 16 ऐड हो जाएगा 16,000 उसका कॉस्ट प्राइस टोटल हो गया टी वी एंड वी सी आर का। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि एक आइटम में लॉस हो रहा है, दूसरे आइटम में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लॉस तो आप इसको देख कर नहीं बता सकते हैं कि इसको लॉस हो गया कि प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया हान हो गया, आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, इजीली आपको आ जाएगा। तो सिंस यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या है, किस पे लॉस है, ऑन लॉस ऑन वी सी आर, वी सी आर के ऊपर क्या है लॉस है, लॉस ऑन वी सी आर हाउ मच 4%, गेन ऑन टी वी, गेन ऑन टी वी, गेन ऑन टी वी 8%। तो यहाँ दोनों का सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा आपको, लॉस में भी निकालना होगा और गेन में भी निकालना पड़ेगा। तो गेन में आप देख लीजिए, लॉस में देख लीजिए, तो एस पी ऑफ टी वी देख लीजिए, एस पी ऑफ टी वी इक्वल टू, सिंस लॉस है तो सिंपली लॉस का क्या फॉर्मूला है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्ल डिवाइडेड बाई 100, यही आपका फॉर्मूला है। एस पी इक्वल टू, तो एस पी इक्वल टू कितना आपको 8,000 में कितना था आपका लॉस, कितने परसेंट का लॉस है,
4%, तो 4/100, तो ये कितना हो जाएगा, 8096 बाई 20, डायरेक्टली 20 कैंसिल, क्या बचा 80 × 96। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने का देखिए, जीरो है तो लास्ट में आप 0 लिख दीजिए और डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई 8 × 6, 6 × 8 = 48, 4, 6 × 7 = 8, 8 × 7 = 72, 72 + 4 कितना हो जाएगा 76। तो इसका मतलब 8000 में ख़रीदा और 7680 रुपीस में बिक्री करना पड़ा, मतलब उसको देख यहाँ पर उसको लॉस हो गया, यहाँ आपका लॉस हो गया उसका। अब उसका प्रॉफिट देखना है कि उसमें जो है टीवी में 8% का जो मार्जिन रखा उसमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से आप निकालेंगे एस पी ऑफ टीवी लिख लीजिए, जो भी होगा कितना है SP CP 100 + gain% / 100, पुट द वैल्यू इन द फार्मूला 8000 100 + 8/100, यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, सिंप्लीफाई करिए, 108/20 कैंसिल, क्या हो जाएगा 80 × 108। जस्ट यू मल्टीप्लाई, 0 यहाँ रख दीजिए, अब 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 × 8 = 64, डायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8। सो क्या हुआ, टीवी को कितना में सेल किया, 8640 इसका सेलिंग हो जाएगा आपका। अब दोनों का सेलिंग को ऐड करिए, दोनों को कॉस्ट प्राइस को ऐड करिए, देखिए कौन ज़्यादा है कौन कम है। सो एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस आप दोनों का निकाल दीजिए, एसपी ऑफ, तो देयरफॉर एसपी ऑफ वीसीआर एंड टीवी कितना है 8640 + 7680, ऐड करिए आप, 0 + 0 = 0, 8 + 4 = 12 कैरी 1, 6 + 6 = 12, 12 + 1 = 13 कैरी 1, यहाँ हो जाएगा 8, तो कितना हो गया 16320। इसमें आपको देखिए बोथ दोनों का सेलिंग प्राइस कितना आता, ग्रेटर आता, दिस इम्प्लाई देयरफॉर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इट मीन्स प्रॉफिट या गेन, गेन इक्वल टू कितना जाएगा एसपी माइनस सीपी, तो 16320 - 16000, तो कितना आ जाएगा ₹320 आ गया, 320। तो द शॉपकीपर कितना का प्रॉफिट मिला उसको, 320, बट ही इज आस्किंग द ट्रांजेक्शन इन परसेंटेज फॉर्म। सो परसेंटेज के लिए क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज बाय परसेंटेज या गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100, तो प्रॉफिट कितना है 320। सीपी मींस टुगेदर सीपी आपको आएगा, सिंगल सीपी नहीं आएगा, नहीं तो अलग निकालना पड़ेगा, टुगेदर लिख लीजिए 16000 × 100, 20 कैंसिल, 10 कैंसिल, 32/16 इक्वल टू, तो इसको वी कैन आल्सो से द शॉपकीपर गेन ए प्रॉफिट ऑफ रूपी 2%, परसेंटेज फॉर्म में इसको बोल सकते हैं। नाउ देयर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग अ सेल ए शॉप ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स, व्हाट वुड बी कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क ऑफ ₹1450 एंड टू शर्ट्स मार्क ऑफ ₹850 ईच। सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर
10% बट्टा देती है। 1450 रुपये अंकित वाला मूल्य एक जींस और दो कमीजों में से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपया है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ एक ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र में जो भी आइटम परचेस करेंगे उसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऑफ मिलेगा, रिबेट मिलेगा। ये आपको जनरली आप देखते होंगे कभी भी, हमेशा बैनर है, होल्डिंग में है, दुकान में लिखा रहता है। तो ऑफ़र जब भी होता है उसका जो कैलकुलेट करते हैं, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, जो सेल प्राइस रहता है, जिस पर सेल करता है उसी पर उसको मार्क मतलब ऑफ़र रहता है। तो यहाँ पर ये शॉपकीपर जो है 10% जो दिया है उसमें एक कस्टमर जो है पे परचेस किया, ये पेयर ऑफ एक जो है उसमें जींस खरीदा जिसका कॉस्ट था 1450 और टू शर्ट्स खरीदा, दो नंबर शर्ट्स खरीदा, उसका एक का जो प्राइस था 850। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आप लिख सकते हैं सेल प्राइस या मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस ऑफ जो है जींस। तो यहाँ लिख सकते हैं मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस ऑफ जींस इक्वल टू कितना है रुपीस 1450 और मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स इक्वल टू रुपीस कितना है आपको, जब दो का है तो टू शर्ट का टू से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यहाँ पर देखिए 850 इंटू टू कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1700 क्योंकि इसमें एक ही मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स हो जाएगा, एक का है तो उसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका जो है मार्क प्राइस है, जीन्स का कितना है, एक जीन्स का कॉस्ट कितना है 1450, टू शर्ट्स का कॉस्ट कितना है 1700। अब शर्ट में भी 10% का डिस्काउंट दे रहा है और जीन्स में भी दे रहा है, सो डिस्काउंट यू कैन लिख डिस्काउंट ऑन जीन्स। जीन्स में कितना डिस्काउंट मिला, तो कितना डिस्काउंट 10% मीन्स 10% एंड ऑफ मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस ऑफ किसका है, जींस का कितना है 1450, एक जीरो से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 145 रुपीज़, यानी कि जो प्राइस था उसका 1450 उसमें से 145 रुपीज़ कम हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस आप कितना हो जाएगा आपको, जो परचेसिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस होगा जो भी होगा, तो यहाँ पर देयरफोर प्राइस ऑफ जींस कितना हो जाएगा, प्रिंटेड प्राइस या मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे, क्या नाम है डिस्काउंट, तो कितना था 1450 माइनस 145, तो कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद में से 145 आपको माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 5 यहाँ हो जाएगा 10 यहाँ कितना 0, सो देयर फॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ द कितना हो जाएगा आपका 1305 रुपीज़। ये आपको उसका जो आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफर देने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा या कॉस्ट प्राइस जो भी हो जाएगा उसका 1350 एंड शर्ट्स का डिस्काउंट ऑफ शर्ट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 10% ऑफ टोटल शर्ट का कॉस्ट कितना था 1700, तो जीरो कैंसिल यहाँ से हो जाएगा 170 रुपीज़ का आपको ऑफर मिल जाएगा। तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा प्राइस ऑफ शर्ट्स टू शर्ट्स कितना हो जाएगा 1700 में से 170 माइनस कर देंगे जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा 10 3 यहाँ 6 बचेगा
तो उसका कितना आ जाएगा आपको, 1530 रुपीज़ में इसको बिक्री किया, तो इसका जो प्राइस हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस उसका जो हो जाएगा, टू शर्ट्स का 1530 एंड द सेलिंग प्राइस या जो परचेसिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स आ जाएगा 1350। तो कितना उसको देना पड़ेगा, व्हाट अमाउंट यू पे ना, तो उसको टोटल कितना देना पड़ेगा, देयरफॉर टोटल पे इक्वल टू 1530 प्लस 1305 ऐड कर देंगे, सो 2835 उसको पे करना पड़ेगा, टू होम कस्टमर को 2835 पे करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। नाउ वन क्वेश्चन नंबर 7 जो है होमवर्क है, एक्सरसाइज सेम 8.2 का है। प्रैक्टिस नाइसली, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी